बड़ी अपडेट सोनीपत से, जहां सोनीपत दौरे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे सोनीपत दौरे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां केंद्रीय मंत्री में एंट्री हो चुकी है मनोहर लाल की, जहां केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे थे, जहाँ बीजेपी की तरफ से तमाम जो बैठकें थी, मीटिंग थी, वो की गई और एक एक करके जो फोन कॉल्स थे वो भी उनके पास गए, जिनको केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होना था। अब सोनीपत दौरे पर हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। साथ ही आपको बताते चले कि सोनीपत दौरे पर हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, तो वहीं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा पहुंचे हैं पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी कविता जुड़ी हुई है सोनीपत से, और ज्यादा जानकारी लेंगे। कविता, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं, जहां अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, केंद्र में शामिल हो गए मनोहर लाल, उसके बाद अब पहली बार हरियाणा पहुंचे हैं मनोहर लाल, जहां सोनीपत दौरे पर है। बिल्कुल जयपाल, देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल में मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री बनाया गया और चुनाव जीतने के बाद अब वो पहली बार मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने सोनीपत पहुंचे हैं। यहां पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया है और कहा है कि अब जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, उसी तरह से अब विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ता जुट जाएं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं का जहां धन्यवाद किया, वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बीजेपी के लिए जो है वो जनता के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की अपील की थी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए कविता बहुत शुक्रिया आपका।